वेलकम बैक टू स्ट्रीमर्स। आज का दोहा है, कबीरा तन पंछी भया, जहाँ मन तहाँ उरी जाए, जो जैसी संगति करे सो तैसा फल पाए। अर्थात कबीरदास जी इस दोहे में कहना चाहते हैं कि मनुष्य एक पंछी समान हो गया, वो एक जगह अपने मन को नियंत्रित ही नहीं रख पाता, क्योंकि जिस तरह एक पंछी कहीं पर एक जगह टिक के नहीं बैठता ना, वो एक जगह से दूसरी जगह जाता ही रहता है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य का मन भी चंचल स्वभाव का हो चुका है, वो एक जगह नियंत्रित रह ही नहीं सकता। इसमें कबीरदास जी आगे कहते हैं कि जिसकी संगति यानी कि उसके आसपास के लोग जैसे होंगे, वो जिसके साथ उठना बैठना करता है, उनका स्वभाव जैसा होगा, उसके कर्म भी उन्हीं पर डिपेंडेंट होंगे। क्यों? क्योंकि उनका जो बिहेवियर होगा, उनके जो संस्कार होंगे, वो उन उस आपके अंदर आएंगे, जो आपकी संगति है उसके सारे गुण आप में समाहित होंगे। तो अगर आप अच्छी संगति के साथ हैं तो आपके कर्म अच्छे होंगे, अगर आप बुरी संगति के साथ हैं तो आपके कर्म बुरे होंगे। तो अपनी संगति हमेशा अच्छी रखें। कबीरदास जी इन दिस कपलेट नरेट्स दैट a person has become like a bird. He cannot keep it in control. He cannot keep his mind in control. He will always be wandering here and there, just like a bird who cannot sit at one place and keeps jumping from a tree to another tree and will fly away and so on. He further adds that a person's behavior is fully dependent on his peer, on the people around him. So if the people around him are good, his behavior will be good. But if the people around him are bad, then the behavior will be bad. So choose your group wisely. Stay with a group which has positivity and does good deeds, because that will affect your personality. With this, I conclude. Thank you.